सैम अली दादा, यू आर वॉचिंग मी इन प्रोग्राम तहजीब एंड इट्स सेगमेंट ताज़वीन आराइश। आज हम आपको लेकर आए हैं नेरिंग आर्ट गैलरी में। व्हेन वी टॉक अबाउट पेंटिंग, सिरामिक्स, पॉटरी एंड डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, वी कैन नेवर इग्नोर दिस नेम। दिस नेम हैज लॉट ऑफ एम्बियंस, इट हैज इट्स ओन मूड एंड इट रिफ्लेक्ट्स इट्स ओन एम्बियंस, इन द सेंस कि आपने जो भी आपकी पेंटिंग्स के लिए अगर आपको अपने इंटीरियर में कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए, कुछ एस्थेटिक चीज़ें चाहिए, तो आपको नेरिंग आर्ट गैलरी आना पड़ेगा। जब हम कलर्स की बात करते हैं तो हम लाइट टोन्स को डेफिनेटली अपने क्लाइमेट और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट लॉबीज, किसी भी रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया, लॉबी इज द बेसिक थिंग जहाँ से आपकी जो एस्थेटिक सेंस है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होती है कि आप किस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आपकी जो लाइट टोन्स हैं, स्पेशली जो ब्राइट टोन्स हैं, उसके मिक्स एंड मैच के साथ आप एक खूबसूरत एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं। बट डार्क कलर्स, जिस तरह की आप यहाँ पे भी कैलीग्राफी में देख रहे हैं, दीज आर ब्यूटीफुल एंड दे आर गुड फॉर योर लिविंग एरिया। आपके लिविंग एरिया में डार्क कलर से आपकी एक सिमेट्री इन्हेंस होती है और एट द सेम टाइम आपके जो कलर स्कीम जिनको आप इम्पोज करना चाह रहे हैं, जिस तरह का मूड जो है वो दिखाना चाह रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है। और स्पेशली जब कंफर्ट लेवल को आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको डिटेल्स को, उसके कलर स्कीम्स को बहुत ज़्यादा उस पर मैटर करता है। स्पेशली जब आप इन चेयर्स की बात करें तो इसके अंदर आप डिटेल में देखेंगे, इसके अंदर छोटे छोटे जितने भी सेगमेंट्स हैं उसको भी ब्रॉन्ज टच देके ग्रीन और ऑरेंज के कलर स्कीम के साथ, और फिर बीच के अंदर इसके अंदर एक गोल्डन लाइन भी है। सो दिस थिंग्स आर विच कैन रिफ्लेक्ट योर डिटेल्स एंड माइनर डिटेल्स, जो कि आपके पूरे एम्बियंस को, आपके पूरे कल्चर को और आपके पूरे इंटीरियर को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है और उसको सक्सेसफुल करता है। इस वक्त हमारे साथ फिर यहाँ पर और आपको जो ऑयल कलर्स नज़र आ रहे हैं, अगेन ये आपके स्टेयर्स के ऊपर, आपके मेन लिविंग एरिया में इस तरह की पेंटिंग, इस तरह के कलर्स स्कीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती है। एंड एट द सेम टाइम दे कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू योर मूड एंड योर इंटीरियर्स। और यहाँ पर हमारे साथ फिर आगे कैलीग्राफी में मियास्क्री रानी है। यहाँ पर फिर हमारे जो वाटर कलर एंड ऑयल कलर में इस टाइप की जितनी भी पेंटिंग्स होती हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि वो आपके हर तरह के इंटीरियर को मिक्स एंड मैच करके चलती हैं। इस तरह की हमारे पास और बहुत सी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली वन बाई वन आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट देम, देयर कलर्स एंड हाउ यू कैन पुट देम अकॉर्डिंग टू योर लाउंजेस और योर मूड, योर कॉरिडोर्स, कि आपने उनको कैसे ले करके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी भी यहाँ पर है और ये सारे के सारे ओरिजिनल जो हैं वो जेम्स हैं जो डिफरेंट हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे इनको क्लोज में देखेंगे तो जो ब्राउन अकीक्स हैं दे आर फ्रॉम ईरान एंड देन दिस एमरल्ड इज फ्रॉम अफगानिस्तान। देयर आर अगेन सो मेनी अदर थिंग्स लाइक विद बीड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये फिरोजा जो है ये अगेन दिस इज फ्रॉम ईरान। और इसमें ये कि इसकी प्राइस जो है वो डेफिनेटली इट्स वेरी रीजनेबल बिकॉज इट्स एन ओरिजिनल जेम, दीज आर ओरिजिनल स्टोन एंड दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुली कैप्चर्ड इन द सेंस दैट यू कैन पुट देम एज अ ज्वेलरी पीस एट द सेम टाइम एज एन आर्ट पीस बिकॉज दे आर ब्यूटीफुली एंड आर्टिस्टिकली मैनेज्ड। आपको जैसा कि मैं बता रही हूँ कि डिफरेंट कलर की पेंटिंग्स और स्पेशली ऑयल कलर्स और वाटर कलर के डिफरेंट एम्बियंस होते हैं, उनका एक डिफरेंट माहौल होता है, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। अभी मतलब इसमें आपने वाजिद जाफरूब का जो हमने ऑयल कलर देखा है उसके अंदर जो आपके साथ उसमें जो लैंडस्केप है दैट इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज यूजुअली लैंडस्केप्स को कंट्रोल करना जो है वो दैट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, इट्स इट नीड्स लॉट ऑफ योर कंट्रोल एंड योर स्किल इज इन्वॉल्व इन इट। सो दिस इज़ अ ह्यूज पीस एंड यू डेफिनेटली यू कैन बी अम्यूज्ड बाय सीइंग इट। एंड एट द सेम टाइम आपको मैंने मियास्क्री ईरानी के, साथ के इनके, शाकिर अली के, दे आर ऑल आर्ट पीसेज, दे आर नॉट फॉर सेल, दे आर जस्ट देयर टू इंक्रीज द वैल्यू एंड द वर्थ ऑफ आर्ट गैलरी। एंड एट द सेम टाइम दैट शोज कि अगर आप एक वाकई एक खूबसूरत चीज़ को देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसको यू हैव टू पे अ प्राइस एंड यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन इन योर सेल्फ। वैन वी टॉक अबाउट कैलीग्राफी वी कैन नॉट इग्नोर असद फारूकी, आपको असद फारूकी की मैंने बहुत ब्राइट कलर्स में चीज़ें
दिखाएं जो आपके बेडरूम्स के लिए, आपके लिविंग एरियाज के लिए, आपके आपके मेन सिटिंग फॉर्मल एरियाज के इंटीरियर में एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज का आपको कैसा लगा प्रोग्राम? इन द सेंस लाइक वी हैव डिस्कवर्ड सो मेनी डिफरेंट आर्ट पीसेज, वी वर हियर इन नैरिंग आर्ट गैलरी एंड डेफिनेटली इट वॉज लिटिल बिट डिफरेंट इन द रेजिडेंशियल इंटीरियर्स विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट आर्ट इफेक्ट्स, वन शुड नो फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दोज पीसेज। आपको यहाँ पे मैंने ये बताया कि आपको वो चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं, उनके कलर्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है, आपके फर्नीचर पीसेज, पॉटरी, सिरेमिक, ज्वेलरी, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल हियर एंड स्पेशली अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। देयर आर टू पेंटिंग्स विच आर नॉट फॉर सेल बट डेफिनेटली यू कैन कम एंड यू कैन सी एंड यू कैन अम्यूज बाय द सेंस द काइंड ऑफ आर्टिस्ट एंड द काइंड ऑफ आर्ट इज अवेलेबल इन आवर कंट्री। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड आवर प्रोग्राम। इजाजत दीजिए, खुदा।